स्वामी चिन्मयानंद पर दुराचार का आरोप लगाने वाली छात्रा के घर पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सुभाषिनी अली और वृंदा करात अपने कार्यकर्ताओं के साथ शाहजहांपुर पहुंची। महिलाएं छात्रा के परिवार से मिली और पूरे मामले का सच जाना। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उन्होंने SIT प्रमुख नवीन अरोड़ा को लिखित ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने मांग की है कि पीड़ित महिला का पहला बयान दिल्ली पुलिस के समक्ष 7/9/2019 को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुआ। उस बयान में पीड़िता ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से चिन्मयानंद के खिलाफ उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया। यह रिपोर्ट SIT के पास तुरंत भेज दी गई थी, लेकिन इन बयानों के आधार पर तुरंत FIR दर्ज नहीं की गई। SIT ने अपनी तरफ से जो FIR दर्ज की उसमें जानबूझकर रेप का आरोप न लगाकर 376C का आरोप लगाया गया। उन्होंने SIT पर केस कमजोर करने का भी आरोप लगाया। साथ ही SIT से 376F KN के अंतर्गत FIR की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी जांच के दौरान SIT ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जिसमें चश्मा भी शामिल है, टेप रिकॉर्डिंग करने का यंत्र के गायब किए जाने की बात भी कही। उन्होंने ये भी मांग साक्ष्य मिटाने का जो कृत्य कॉलेज प्रशासन द्वारा किया उन पर 201 के तहत FIR की जाए। इससे पहले बीते बुधवार को पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली विधि छात्रा की उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे जाने के मामले में बुधवार को गिरफ्तारी के बाद अदालत में जमानत अर्जी खारिज हो गई। वहीं चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की गई है। और ये एडवा उत्तर प्रदेश की सेक्रेटरी है। उत्तर प्रदेश। आज हम लोग आए हैं शाहजहांपुर में। हमने जेल जाकर परिवार के साथ हम उस मैं तो कहूंगी उनको रेप सर्वाइवर, जो रेप सर्वाइवर है, जो पीड़िता है, उनसे जेल में हम मिले। उसके बाद हम लोग सब SIT के पदाधिकारियों से मिले। और तीसरी बात है, हमने लड़की की पक्ष के तमाम वकीलों से भी मिले। मैं ये साफ कहना चाहती हूँ कि इस पूरे केस में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है आरोपी को बचाने के लिए। हम बिल्कुल तय में गए हैं, हम सारी विवरण हमारे पास है, और बगैर किसी हिचकिचाहट की हम ये कहना चाहते हैं कि शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की प्रशासन और जितने भी यहाँ एजेंसीज है, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आरोपी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ कानून बोलकर कोई चीज नहीं, यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये कभी नहीं हो सकता है कि लड़की की कंप्लेंट पर FIR दर्ज न हो। लड़की की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गए थे जो वकील, सुप्रीम कोर्ट में गए वो लड़की के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए। आज वही सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश बहाना बन रहा है इनके लिए कि इसलिए हमने FIR दर्ज नहीं की लड़की की। आप बताइए कौन सी दुख है। लड़की रेप के बारे में शिकायत कर रही है और इन्होंने उसको पूरा तोड़ मरोड़ करके केवल और केवल आरोपी को बचाने के लिए इन्होंने ऐसे काम किया है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश भर में जो आंकड़े हैं बलात्कार के, जिस आंकड़ों के पीछे VIP लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में या तो सहारा है या डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण उसमें पिछले एक साल में दो ऐसे घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं जिसमें